गर्मी हो रही है, बिल्कुल थोड़े थोड़े ही कहीं पे बादल लगे हुए हैं और एकदम से नीला नीला आसमान जो देखने में ही बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्योंकि कल मेरी तैयारी है कहीं बाहर जाने की, काफी दूर जा रही हूँ तो मुझे काफी तैयारी भी करनी है। जैसे टॉवल है, छाता है, क्योंकि आजकल मानसून का टाइम है, बारिश कंटिन्यू होती रहती है। वो होता है सुबह और शाम के टाइम पे। और पैकिंग करने में ना मेरे हस्बैंड जी भी मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कई जरूरतें पड़ेगी, कुछ कभी फल फ्रूट खाने होंगे तो उसके लिए नमक की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमाल देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी माँ गंगा के तट पर बसा हुआ सुंदर सा शहर उत्तरकाशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षी ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 10 बजे से उत्तरकाशी के इस खूबसूरत नज़ारों के साथ से। और अगर मौसम की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है, बिल्कुल थोड़े थोड़े ही कहीं पे बादल लगे हुए हैं और एकदम से नीला नीला आसमान जो देखने में ही बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए जी, इस खूबसूरत नज़ारों के साथ से आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई। और ऊपर से इतनी गर्मी, बिल्कुल छत के ऊपर मैं अभी 10 मिनट ही हुआ मुझे और एकदम मुँह लाल लाल हो गया। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि कल मेरी तैयारी है कहीं बाहर जाने की, काफ़ी दूर जा रही हूँ तो मुझे काफ़ी तैयारी भी करनी है। अभी मैंने पैकिंग भी नहीं की और मेरा मार्केट से भी अभी कुछ सामान है जो मुझे आज लाना है, तो आज मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल है। तो मैं कहीं दूर जा रही हूँ तो काफ़ी, मतलब मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ ऐसी जगह जाने के लिए। मेरा एक जो सपना था, मेरा जो ड्रीम था, वो पूरा होने जा रहा है। सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों को दुआ मेरे साथ में है। तो अभी मेरी पैकिंग वगैरह होगी और उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मेरा कुछ सामान छूटा हुआ है तो वो सामान लेके आती हूँ पहले। तो अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक सामान ले लिया वहाँ पे, जैसे टॉवल है, छाता है, क्योंकि आजकल मानसून का टाइम है, बारिश कंटिन्यू होती रहती है तो छाता लेना भी ज़रूरी है। और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा कॉस्मेटिक शॉप में, तो कुछ अपना कॉस्मेटिक वगैरह ले लेती हूँ। कॉस्मेटिक लेने के बाद एक आध टी शर्ट ली अपने लिए और अभी आ गई मैं पार्लर में। लेकिन बाहर जो गर्मी हो रही है ना, बुरे हाल हो रहे हैं गर्मी से, काफ़ी उमस भरी गर्मी है। और गर्मी की वजह से हमारे पार्लर आप देख सकते हैं एकदम सुनसान हो रखा है। दिन के टाइम पे जो काम होता है वो होता है सुबह और शाम के टाइम पे। और अभी मेरी पूरी पार्लर की स्टाफ की लड़की आराम कर रही हैं और मेरी बारी भी है अभी लंच करने की, तो पहले लंच कर लेते हैं। तो लंच करने के बाद मैं चली गई थी दुकान में और दुकान में ना शाम के टाइम पे काफ़ी भीड़ हो गई थी पार्लर में। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो अभी मैं घर पे आई हूँ और अब जाके मैं पैकिंग करूँगी। तो पैकिंग के लिए मैंने अपना पूरा सामान यहाँ पे फैला रखा है और अब पैकिंग शुरू करती हूँ, क्योंकि सामान भी काफ़ी रखना है। और अभी अभी मुझे याद आया कि कुछ और सामान मेरा छूटा हुआ, तो एक बार फिर से मार्केट जाऊँगी और वो सामान लेके आऊँगी। पहले जो सामान ये रखा हुआ इनकी पैकिंग कर देती हूँ। और पैकिंग करने में ना मेरे हस्बैंड जी भी मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि सामान काफ़ी सारा फैला हुआ है। और पैकिंग करते करते शीला कह रही है कि दीदी, जैसी मैं आपकी अटैची देख रही हूँ, जैसी मैं आपको देख रही हूँ पैकिंग करते हुए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो जा तो काफ़ी दिनों के लिए रहे, करीबन 1.5 महीने तो मुझे लग जाएगा। तो शीला भी उदास हो रही है और साथ साथ मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए उदास हो रहे हैं। तो क्योंकि मुझे आदत नहीं है कहीं बाहर रहने की और मैं पहली बार जा रही हूँ इतने लंबे टूर में, यहाँ तक कि मैं अपने मायके में लगभग 9 से 10 साल हो गए, नाइट हॉल्ट कभी नहीं रही। पैकिंग करने के बाद अब मैं थोड़ा सा पीस रही हूँ नमक, पहाड़ी नमक एकदम सिलवटे वाला, क्योंकि बाहर कई ज़रूरतें पड़ेगी, कुछ कभी फल फ्रूट खाने होंगे तो उसके लिए नमक की ज़रूरत पड़ेगी। और एक शीशी में घर में पीस के रखूँगी।
तो चलिए जी, अभी मैंने नमक भी पीस लिया और ये पीस के रखे दो शीशियों पे, तो एक मैं खुद लेके जाऊंगी और एक घर पे यूज़ होगा क्योंकि बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है। तो सलाद हो या रायता हो, नमक तो चाहिए होता है। और ये वाला जो नमक है ना, सिलबट्टे का पीसा हुआ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मैंने जीरा भी डाला हुआ, चोरा भी डाला हुआ, हींग वगैरह भी है, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है और पाचन के लिए भी अच्छा होता है। और अभी साथ साथ में शीला बना रही है रोटी, तो डिनर भी हम लोगों का बिल्कुल रेडी है। और डिनर करने के बाद थोड़ा सा जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है और जाना भी है। तो अब बारी है डिनर करने की, और डिनर में बना हुआ है आज पत्ता गोभी की सब्जी और दही। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।